तो ये हमारी नई सीरीज हमने स्टार्ट की है जिसका नाम है लेट्स फाइंड अ गवर्नमेंट जॉब, जिसके अंदर हम आपके लिए एक वीक के अंदर जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स के एडवर्टाइजमेंट आते हैं वो हम इसके अंदर आपको डिस्प्ले करने वाले, और थोड़ा डिस्क्रिप्शन हर जॉब एडवर्टाइजमेंट के बारे में बताने वाले कि आप कहाँ पे अप्लाई कर सकते हो और मतलब कौन सा वेबसाइट विजिट कर सकते हो या कौन से ऑफिस को आपको कॉन्टैक्ट करना है, इसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन। और एक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि आज का वीडियो का टॉपिक थोड़ा सीरियस है, तो आप अच्छे से देखिए। अगर आपका पसंद का कोई जॉब आता है तो हम अगर पूरा डिस्क्रिप्शन नहीं बताते हैं तो आप उसका सिर्फ पॉज वीडियो करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आप पूरा एडवर्टाइजमेंट पढ़ सकते हो। मोस्ट ऑफ द मतलब जितना एडवर्टाइजमेंट है सारे पूरे HD क्वालिटी के अंदर हमने स्कैन किया है, तो आप देख सकते हो। और ये सीरीज़ बनाने का जो मतलब एम है कि बहुत सारे बंदे या बंदियाँ ऐसे होती है कि जिनके मतलब गवर्नमेंट जॉब के लिए वो बहुत ट्राई कर रहे हैं और मतलब बहुत पढ़ाई भी करते हैं, लेकिन एक ऐसा जॉब का एडवर्टाइजमेंट रहता है कि जो उनसे छूट जाता है और बाद में उनका रिलेटिव या कोई दो कोई भी उनको बताता है कि ये ऐसा ऐसा ऐड आया था और आपका वो मिस हो गया है। तो दोस्तों हम मोस्ट मतलब जितने भी एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं उतने हम यहाँ पर डिस्प्ले करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको कोई मतलब स्पेसिफिक जॉब कैटेगरी के लिए अगर आपको लिस्ट चाहिए तो आप हमें बता दीजिए, तो हम वो भी ट्राई करेंगे। लेकिन आज का जो लिस्ट है वो सारा कंबाइंड जॉब्स का है, तो आप देख सकते हो पूरा वीडियो। और अगर आपका पसंद का कोई जॉब आता है या आप जिस जॉब के लिए एलिजिबल हो तो आप वीडियो पॉज करके पूरा उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हो या फिर वीडियो का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो दोस्तों चलो हमारा वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। और जो पहला जॉब कैटेगरी है सेंट्रल टूल रूम, ये जो गवर्नमेंट का कंपनी है इनका ही ये जॉब है, और इसके अंदर मतलब 99% जॉब गवर्नमेंट है, एक दो ही प्राइवेट जॉब हमने इसके अंदर ऐड किए है जिसका मतलब पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन था वही जॉब हमने यहाँ पर ऐड की है। तो दोस्तों इनका जो मतलब इनके तीन चार पोस्ट है और इनका रिक्वायरमेंट भी आई थिंक 8 स्टाफ का है। तो दोस्तों पहला वाला जो पोस्ट है वो है असिस्टेंट एडमिन ऑफिसर का पोस्ट है, जिसका कैटेगरी मतलब अनरिजर्व है, मतलब यहाँ पे कोई भी अप्लाई कर सकता है। और इसका जो बेसिक पे होने वाला है 35,400 रुपीज़ प्लस अलाउंसेस, और इसके लिए एक्सपीरियंस जो रखा है वो 5 ईयर्स इनलाइन एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो भी रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और मैक्सिमम एज लिमिट है 35 ईयर्स ओल्ड, और इसका जो लास्ट डेट है वो 28 फरवरी 2019 है। और इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन डिटेल्स है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो वीडियो के राइट साइड के अंदर। तो इनका जो वेबसाइट है वो ctrlludhiana.com, ये वेबसाइट के ऊपर आप पूरा इसका जो एडवर्टाइजमेंट का डिस्क्रिप्शन में वो भी देख सकते हो और उनको कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। इन्हीं का ही जो दूसरा मतलब पोस्ट है, इनको एक इंजीनियर का पोस्ट है जिसके लिए एक ही वैकेंसी है। इसका पेमेंट होने वाला है 35,400 रुपीज़ प्लस अलाउंसेस, और इसका जो क्वालिफिकेशन है वो डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर, या फिर टूल एंड डाई मेकिंग प्रोडक्शन का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, या उसका डिग्री या डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। एक्सपीरियंस जो है वो नील है डिग्री होल्डर्स के लिए, और 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए डिप्लोमा होल्डर्स को, वो भी एक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन के अंदर। और इसका मैक्सिमम एज लिमिट है 30 ईयर्स, और इसका भी लास्ट डेट 28 फरवरी 2019 ही है। इन्हीं का ये और एक एडवर्टाइजमेंट है, मतलब ये पूरा एक ही ऐड था जिसको हमने पूरा सॉर्ट आउट किया है। तो इनका जो और एक इनका रिक्वायरमेंट है वो टेक्नीशियन ग्रेड थी, जिसका मुझे कोई आइडिया नहीं टेक्नीशियन ग्रेड 3 क्या होता है चीज़, लेकिन इनको इसके लिए 4 पोस्ट चाहिए, और इसके अंदर रिजर्वेशन अप्लाई किया गया है। तो अनरिजर्व मतलब ओपन कैटेगरी के लिए 1 पोस्ट है, OBC के लिए 1 पोस्ट है, ST के लिए 1 और SC के लिए 1 पोस्ट है। और इसका जो बेसिक पे होने वाला है वो 19,900 रुपीज़ प्लस अलाउंसेस होने वाला है। तो दोस्तों इस पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन आपको 10th पास होना चाहिए और आपका ITI होना चाहिए। आप डिस्क्रिप्शन पूरा ऐड का पढ़ लीजिए, जिसके अंदर इन्होंने ट्यूनर मिलर और ग्राइंडर वगैरह जो दिया हुआ है वो आप देख लीजिए एक बार। एक्सपीरियंस आपके पास 1 ईयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए, और वो भी रेप्यूटेड टूल रूम इंस्टीट्यूशन के अंदर आपका होना चाहिए, ठीक है। और इसका मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो है 30 ईयर्स, इसका भी लास्ट डेट 28 फरवरी 2019 ही है। इसके बाद आता है LDC, जिसके इनको 2 पोस्ट चाहिए, इसके अंदर भी रिजर्वेशन अप्लाइड है, मतलब ओपन के लिए 1 पोस्ट है और ST के लिए 1 पोस्ट है, और मतलब अनरिजर्व कैटेगरी अंदर सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। और इनका जो पेमेंट होने वाला है वो 19,900 रुपीज़ होने वाला है प्लस अलाउंसेस होने वाला है। और क्वालिफिकेशन आप ग्रेजुएट होने चाहिए एनी डिसिप्लिन फॉर्म, मतलब कोई भी आप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने चाहिए, लेकिन वो यूनिवर्सिटी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी होना चाहिए, और आपका जो इंग्लिश टाइपिंग स्पीड है वो 30 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए। आपका 3 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए अकाउंट स्टोर एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, वो भी एक रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ में, और आपका जो मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर है वो 30 ईयर्स है। इस एडवर्टाइजमेंट के बारे में और डिटेल हम बताना चाहेंगे आपको कि एज रिलैक्सेशन दिया गया है 5 ईयर्स का दिया गया है, SC ST 3 ईयर्स का
का एज रिलैक्सेशन दिया गया है ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हो डिस्क्रिप्शन, यहाँ एडवर्टाइजमेंट के अंदर भी वेबसाइट दिया हुआ है, हमने यहाँ पर वीडियो के राइट साइड के कॉर्नर में भी वेबसाइट दिया गया है। तो हम इतना ज़्यादा रिपीट नहीं करने वाले, मोस्ट ऑफ द टाइम आप पूरा ऐड आप एक बार पढ़ लीजिए, आपके इंटरेस्ट का कोई ऐड आता है तो आप वीडियो पॉज करके उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों दूसरा जो कंपनी है गवर्नमेंट का नहीं, आई थिंक ये प्राइवेट कंपनी है, तो विशाखापट्टनम पोर्ट ट्रस्ट जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, इनका पोस्ट है, वो भी एक ही वैकेंसी है, वो भी सीनियर लॉ ऑफिसर के लिए, क्लास वन की पोस्ट है, जिसका आपका पेमेंट 20,600 से लेके 46,500 तक होने वाला है। इसका लास्ट डेट 18 मार्च 2019 है। आप इसका वेबसाइट विजिट कीजिए, वेबसाइट के अंदर आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा इस क्या कहते हैं इसको पोस्ट के बारे में, और वेबसाइट के अंदर और डिफरेंट काइंड्स ऑफ बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट के एडवर्टाइजमेंट है। तो आप एक बार वेबसाइट ज़रूर विजिट कीजिए, आप कोई भी ब्रांच में से पढ़े हो तो। इसके बाद जो इनकम टैक्स सेटलमेंट डिपार्टमेंट कमिश्नर एडिशनल ब्रांच चेन्नई, यहाँ का पोस्ट है, तो यहाँ पे बहुत सारे पोस्ट अवेलेबल है, प्राइवेट सेक्रेटरी, इंक्वायरी ऑफिसर, टेक्निकल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, अपर डिवीजन क्लर्क। और आप ये वीडियो पॉज करके एक बार इसका डिस्क्रिप्शन पूरा पढ़ लीजिए, इतना डिस्क्रिप्शन हम यहाँ पर आपको पढ़ के बता नहीं सकते, नहीं तो हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और ये नोट्स भी आप पूरा पढ़ लीजिए, उसी ऐड का ये हिस्सा है नोट्स। और उसके बाद ही आपको एक प्रोफॉर्मा सबमिट करना है, आप अगर अप्लाई करना चाहते हो ये पोस्ट के लिए, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या आप इसको टाइप करके ले सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट गवर्नमेंट जॉब का पोस्टिंग है वो है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अंदर। तो इन्होंने यहाँ पर नहीं किया, जो डिपार्टमेंट का इनका जो पोस्ट है इसका आपको डिटेल्स अगर चाहिए तो www.imd.gov.in इस वेबसाइट को आपको विजिट करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन से आपको सबमिट करने हैं। और इनको जो चाहिए वो है प्रोजेक्ट साइंटिस्ट, DCB, रिसर्च एसोसिएट, सीनियर रिसर्च फेलोज एंड जूनियर रिसर्च फेलोज ऑन प्योरली टेम्प्ररी कॉन्ट्रैक्टरल बेसिस, मतलब ये परमानेंट जॉब नहीं है, तो ये टेम्प्ररी है और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, लेकिन गवर्नमेंट का जॉब है, इसका लास्ट डेट है। तो दोस्तों इस जॉब का जो लास्ट डेट है वो है 6 मार्च 2019, और इसका एप्लीकेशन जो चालू हुआ है वो 21 जनवरी 2019 से एप्लीकेशन चालू हो गया है। तो पूरा एप्लीकेशन आपको ऑनलाइन ही सबमिट करना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारी कंपनी की तरफ। तो दोस्तों डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, इनका भी एक गवर्नमेंट का ऐड आया हुआ है, जो कि दिल्ली में आपका आई थिंक पोस्टिंग होगा। और आप देख सकते हो तो फिर यहाँ पर जो दिया गया है पूरा ऐड, इसका जो वेबसाइट है वो है dfpd.nic.in, इसके अंदर आपको अप्लाई करना है, और विद इन 45 डेज, मतलब ये ऐड जब पब्लिश हुआ था उसके अंदर आपको करना है। तो 45 डेज मतलब ये जो ऐड पब्लिश हुआ था 9 फरवरी को पब्लिश हुआ था, तो उसके आगे जो 45 डेज है वो आप काउंट कर लीजिए और आपका लास्ट डेट वो होगा, ठीक है। और पूरा पूरा ऐड आप पढ़ लीजिए। तो दोस्तों इसके बाद जो ऐड है वो है आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल प्रिंसिपल बेंच का, जो कि दिल्ली के अंदर ही है आई थिंक। तो यहाँ पर भी इनको बहुत सारे ये चाहिए एप्लीकेशंस, तो जॉइंट रजिस्टर्ड का भी एक पोस्ट है, प्राइवेट सेक्रेटरी का एक पोस्ट है, फिर ट्रिब्यूनल मास्टर स्टेनो ग्रेड वन और जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का भी एक पोस्ट अवेलेबल है। तो आप एक बार पूरा वेबसाइट विजिट कर लीजिए और पूरा ऐड पढ़ लीजिए, और इसका लास्ट डेट जो है वो है 20 फरवरी 2019। तो दोस्तों सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, तो यहाँ पर मतलब नहीं क्या परमानेंट पोस्टिंग है, मतलब गोल्डन अपॉर्चुनिटी है गवर्नमेंट जॉब पाने का। तो असिस्टेंट हलवाई कम कुक इसका ये जॉब है। इसके लिए आपका क्वालिफिकेशन मतलब आप 10th पास होने चाहिए, इक्विवेलेंट एजुकेशन आपके पास होना चाहिए, और आपके पास सर्टिफिकेट या डिप्लोमा होना चाहिए केटरिंग के अंदर का, और उसके बाद एक्सपीरियंस आपके पास 1 ईयर का होना चाहिए कुकिंग का। और एज लिमिट गाइज 18 से 25 ईयर्स तक के लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो SC के लिए जो एज रिलैक्सेशन 5 ईयर्स का है, ST के लिए भी 5 ईयर्स का है, और OBC के लिए 3 ईयर्स का है, तो वो रहता है, ठीक है दोस्तों। और इसका जो लास्ट एप्लीकेशन डेट है 1 मार्च 2019। गाइज ये जॉब को जो कुकिंग इंडस्ट्री में या केटरिंग इंडस्ट्री में वो सीरियसली ले लीजिए और अप्लाई कर दीजिए। तो दोस्तों हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली, इसके अंदर भी बहुत सारे वैकेंसीज अवेलेबल है, तो आप ये ऐड पूरा पढ़ लीजिए। इसका डिस्क्रिप्शन हम पूरा नहीं पढ़ सकते क्योंकि ये बहुत बड़ा ऐड है। तो दोस्तों इसके बाद जो ऐड है वो है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़। सो दोस्तों ये भी गवर्नमेंट का ही डिपार्टमेंट है, आप इसके एक बार मतलब पूरा ऐड डिस्क्रिप्शन पढ़ लीजिए। इनके अंदर जो पोस्ट है वो है 1, 2, 3, 4 पोस्ट अवेलेबल है, और जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन की वो है 18 फेब 2019। दोस्तों यहाँ पर फ़ोन नंबर भी दिया गया है और इनका वेबसाइट जो है वो भी ऐड के अंदर दिया गया है। तो आप वीडियो पॉज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप वेबसाइट विजिट कर लीजिए, आपको वहाँ पर आपका पूरा इन्फॉर्मेशन ये जॉब के बारे में
पता चल जाएगा। दोस्तों इसके बाद जो है बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही यूज़फुल ऐड है, जो कि सिविल इंजीनियरिंग किए हुए हैं उन लोगों के लिए और फाइनेंस, मतलब हर एक कैटेगरी के अंदर मोस्ट ऑफ द मतलब यहाँ पर अवेलेबल है। तो दोस्तों ये जो ऐड है वो है मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के बारे में। उनका जो ऐड है उनका रिक्रूटमेंट के अंदर पोस्ट उनको चाहिए 10 पोस्ट है ओपन कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए 2 पोस्ट है, टोटल इनको चाहिए 12 पोस्ट। तो मतलब यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। फाइनेंस के अंदर भी है, जनरल मैनेजर का है, फिर डिप्टी जनरल मैनेजर अकाउंट्स का है, फिर प्लानिंग डिपार्टमेंट का भी है, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट टू ईडी, फिर उसके बाद अकाउंट्स ऑफिसर का भी है, और फिर डीवाई इंजीनियर का भी है, कम्युनिटी डेवलपमेंट असिस्टेंट है, सर्वे करने वाले सर्वेयर जो होते हैं सिविल इंजीनियर्स उनके लिए भी ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आपका सैलरी हो सकता है 34,020 रुपीज़ से लेकर 64,310 रुपीज़। तो ये बहुत ही अच्छा है, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिला है जो लोग मतलब गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं उनके लिए। और इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन चालू हो गया है 28 जनवरी 2019 से लेके, और जो लास्ट डेट है वो है 18 मार्च 2019। तो दोस्तों सीरियसली इस ऐड को ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिए। तो दोस्तों मेट्रो के ऐड के बाद वाला जो है वो है ICMR वेक्टर कंट्रोल रिसर्च सेंटर का। तो दोस्तों इनका एक ही पोस्ट है, नंबर ऑफ पोस्ट एक है, जो कि अकाउंट ऑफिसर है, तो जिन्होंने CA किया हुआ है या कॉमर्स किया गया है वो लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और मतलब 3 ईयर्स का आपको कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा एवरी ईयर का। और आपका एलिजिबिलिटी के अंदर मतलब क्या है, होल्डिंग एनालॉग पोस्ट और सेक्शन ऑफिसर सेंट्रल स्टेट अकाउंटेंट्स ऑर्गेनाइजेशन PSU विथ 5 ईयर्स सर्विस एंड 2 ईयर्स वर्किंग एक्सपीरियंस इन बजट फाइनेंस अकाउंट्स। तो दोस्तों इसके लिए आपका एक्सपीरियंस बहुत होना चाहिए। दोस्तों आप इसका लास्ट डेट मैं आपको बता देता हूँ, 25 फरवरी 2019 है, और इनका वेबसाइट जो है वो www.icmr.nic.in है, और दूसरा जो वेबसाइट है www.vcrc.res.in। पूरा ऐड आप पॉज करके पढ़ सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट ऐड की तरफ। नेक्स्ट ऐड जो है वो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का है, ये भी गवर्नमेंट का ही कंपनी है हमारा। तो आप एक बार ऐड पूरा पढ़ लीजिए, बहुत ही मतलब बड़ा ऐड है। इसके अंदर SC के लिए भी पोस्ट अवेलेबल है, ST के लिए भी है, OBC के लिए और अनरिजर्वेशन मतलब ओपन कैटेगरी के लिए भी पोस्ट अवेलेबल है। तो आप पूरा ऐड पढ़ लीजिए, ये बहुत बड़ा ऐड है इसलिए हम इसके ऊपर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे तो बहुत टाइम हमारा यहाँ पर स्पेंड हो जाएगा। तो दोस्तों इसका मैं आपको वेबसाइट बता देता हूँ, www.sail.co.in। इसके अंदर आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। और इसका जो लास्ट आपका जो एप्लीकेशन डेट है वो है 10th मार्च 2019, और अप्लाई आप इसके लिए कल से कर सकते हो, मतलब 14 फरवरी 2019 से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन चालू होने वाला है। और यहाँ पर पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि आपको करियर्स लिंक के ऊपर क्लिक करना है sail.co.in वेबसाइट विजिट करके। तो आपका अगर कोई अच्छा आपका जो जॉब आपको चाहिए, अगर आपके कैटेगरी का कोई यहाँ पर है तो आप पढ़ सकते हो पूरा ऐड, और आप मतलब अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन। दोस्तों तो दोस्तों हम पढ़ते हैं नेक्स्ट ऐड की तरफ, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स का है। तो दोस्तों इनका जो है क्या कहते हैं इसको, नेम ऑफ पोस्ट एक ही वैकेंसी है, डिप्टी कमिश्नर चाहिए इनको। और पूरा आप डिस्क्रिप्शन पढ़ लीजिए क्योंकि ये बहुत ही बड़ा पोस्ट है। और यहाँ पर जो पे मैट्रिक्स दिया गया है PB3+7,600 रुपीज़, जो कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इतना डिटेल में हमें पता नहीं चल रहा है। तो आप इनका वेबसाइट एक बार विजिट कर दीजिए, वहाँ पर आपको अगर ऐड मिलता है तो आप देख लीजिए। पेपर के अंदर भी ऐसा ही ऐड था और हमें पूरा डिटेल पता नहीं चला था, लेकिन केमिकल इंजीनियर बहुत सारे जो कि जॉब सर्च में है, तो आपको एक अपॉर्चुनिटी आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट ऐड की तरफ, ये भी बहुत ही अच्छा है, मतलब नहीं क्या, जो कि क्या कहते हैं उसको, हाईवेज वगैरह डेवलपमेंट या सिविल इंजीनियर्स या फिर अदर है फील्ड के लोग उनके लिए। लेकिन यहाँ पर टेक्निकल डिप्टी मैनेजर का भी पोस्ट है, लेकिन बहुत सारे पोस्ट है ओपन कैटेगरी के लिए, 12 है, SC के लिए 10 है, ST के लिए 5 पोस्ट है, OBC के लिए 2 पोस्ट है, टोटल पोस्ट 29 है। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी आपके लिए ये जॉब, आपको अगर इंटरेस्ट है तो आप अप्लाई कर सकते हो, जिसका लास्ट डेट है 28 फेब 2019। और इनका जो वेबसाइट है वो है www.nhai.gov.in। आप पूरा ऐड अगर पॉज करके पढ़ते हो तो आपको पूरा आइडिया आ जाएगा। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट ऐड है वो है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर हर एक ब्रांच के लिए आपको अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों ये वाला ऐड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से पढ़िए पावर ग्रिड का जो आया हुआ है पेपर के अंदर। तो ITI है, डिप्लोमा है, इलेक्ट्रिकल सिविल, हर ब्रांच का यहाँ पर दिया गया है। और जो ये ऐड मतलब नहीं है, इसका कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। आप विजिट करिए इनका वेबसाइट powergridindia.com, और यहाँ पर आप मतलब देख सकते हो इन्फॉर्मेशन और इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो जॉब वैकेंसी के लिए।
तो बहुत ही अच्छा ऐड है, और यहाँ पर नोट के अंदर दिया भी गया है कि दिस इज़ अ रोलिंग एडवर्टाइजमेंट एंड देर इज़ नो लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन। तो दोस्तों जल्द से जल्द कीजिए, क्योंकि लास्ट डेट तो दिया गया नहीं है, लेकिन अगर आप जाओगे और आपका फील्ड का पोस्ट अगर फिलअप हो चुका होगा तो बैड लक। तो दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट ऐड है वो है सेंट्रल फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट के बारे में दोस्तों। तो यहाँ पर कंपाउंडर का जो पोस्ट है उसके लिए एडवर्टाइजमेंट आया है, और दोस्तों ये एडवर्टाइजमेंट का अगर आपको और डिटेल चाहिए तो आप इनका वेबसाइट जो कि ऐड के एकदम लास्ट में दिया गया है www.fmtibudni.gov.in इस वेबसाइट को आप विजिट कर सकते हो। तो दोस्तों बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट ऐड की तरफ। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जोधपुर का है एडवर्टाइजमेंट, जिनके मतलब पब्लिक रिलेशन ऑफिसर चाहिए इनके लिए, और क्वालिफिकेशन दिया गया है डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन पब्लिक रिलेशंस कॉरपोरेट कम्युनिकेशन जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन विद 10 ईयर्स एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ पब्लिक रिलेशंस। तो दोस्तों ये थोड़ा बड़ा होना चाहिए, और एज लिमिट भी इन्होंने 30 से 45 ईयर्स दिया गया है, मतलब आप 30 ईयर्स से छोटे हो तो आप अप्लाई नहीं कर सकते उस पोस्ट के लिए। दोस्तों इनका जो वेबसाइट है वो है aiims.jodhpur.edu.in। पूरा डिटेल आप एडवर्टाइजमेंट पढ़ना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बात मैं बार बार दोहरा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे एड्स हैं जो कि हम पूरा कवर नहीं करने वाले हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट हमारा जो ऐड है वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट का है, इनके लिए फाइनेंशियल एडवाइजर की ज़रूरत है। तो नंबर ऑफ पोस्ट अवेलेबल एक ही है जिसके लिए कोई भी रिजर्वेशन अप्लाई नहीं है, लेकिन आपका पेमेंट बहुत ही अच्छा है। लेवल 11 का पे यहाँ पर दिया गया है 67,700 से लेके 2,08,700, और 30 डेज फ्रॉम दिस पब्लिकेशन, मतलब ये जो एड पब्लिश हुआ था 14 फरवरी को पब्लिश हुआ है, तो उसके आगे आप 30 डेज ऐड कर लीजिए तो आपका वो लास्ट डेट आ जाएगा। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट ऐड की तरफ। नेक्स्ट ऐड जो है हमारा इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर ऑफ आर्ट्स। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा पोस्ट है, आप अप्लाई कर सकते हो, और ये जो वेबसाइट है इसके अंदर आप पूरा इंफॉर्मेशन और चाहते हो तो देख सकते हो www.igncac.gov.in। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस दोस्तों, इसके बारे में हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये जो पोस्ट है उसके बारे में ऑनलाइन आप पढ़ लीजिए। मैंने स्टार्ट में ही कहा था कि हम सिर्फ आपको जो अवेलेबल जॉब्स है वो यहाँ पर दिखा रहे हैं। दोस्तों ये जो है यूनियन बैंक का है, जो कि प्राइवेट सेक्टर का बैंक है आई थिंक, और मतलब ये हमें अच्छा लगा एडवर्टाइजमेंट, इसलिए हमने यहाँ पर इसको इंक्लूड किया है, जिसके लिए मिनिमम एज रिक्वायर्ड है 18 ईयर्स और मैक्सिमम है 25 ईयर्स। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और क्वालिफिकेशन सिर्फ 10+2 ही है। तो दोस्तों पूरा ऐड आप पढ़ लीजिए, और मैं आपको इन्फॉर्मेशन अगर इसका आपको चाहिए तो मैं आपको वेबसाइट बता देता हूँ www.unionbankofindia.co.in, और वहाँ पर जो लिंक है रिक्रूटमेंट्स उसके ऊपर आप क्लिक करके पूरा इन्फॉर्मेशन ये ऐड का देख सकते हो। दोस्तों नेक्स्ट जो हमारा ऐड है वो है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान। तो दोस्तों ये एडवर्टाइजमेंट के अंदर इन्होंने सुपरिटेंडिंग इंजीनियर इनको एक चाहिए, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल। तो दोस्तों जिन्होंने सिविल किया है और इलेक्ट्रिकल किया है उनके लिए बहुत ही अच्छी एडवर्टाइजमेंट है। तो दोस्तों सिविल इंजीनियर का एक पोस्ट है और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का भी एक पोस्ट है दोस्तों, टोटल पोस्ट 3 है, और सुपरिटेंडिंग इंजीनियर भी है दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो पेमेंट लेवल है वो भी बहुत अच्छा है दोस्तों, और इसका लास्ट डेट है 11 मार्च। दोस्तों इसका लास्ट डेट है, पूरा डिटेल के लिए आप इनका वेबसाइट विजिट कर लीजिए aiimsraipur.edu.in। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है सिविल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए, तो दोस्तों अप्लाई कर सकते हो आप ऑनलाइन 11 मार्च 2019 से पहले। तो बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट ऐड की तरफ। नेक्स्ट ऐड जो है वो दिल्ली ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड इनका ऐड है दोस्तों। तो इनका जो लास्ट डेट है इस एडवर्टाइजमेंट के लिए वो है 6 मार्च 2019, और वेबसाइट है dtidc.co.in या फिर dtidc.delhi.gov.in। दोस्तों नेक्स्ट ऐड जो है दोस्तों नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर एंड लैंड मैनेजमेंट के लिए है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे पोस्ट अवेलेबल है एग्रीकल्चर के लिए, सोशल साइंस फील्ड में से वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग वालों के लिए भी पोस्ट अवेलेबल है। तो आप एक बार इसका पूरा डिस्क्रिप्शन देख लीजिए ऐड का, पढ़ लीजिए स्क्रीनशॉट लेकर, और अगर आपको इसका मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पर वेबसाइट भी दिए गए हैं www.nerIWALM.gov.in, ये वेबसाइट आप विजिट कर सकते हो दोस्तों। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट ऐड की तरफ दोस्तों। तो नेक्स्ट ऐड जो है वो है नेशनल काउंसिल फॉर सीमेंट एंड बिल्डिंग मटेरियल्स के लिए दोस्तों। इनको एक ही
वैकेंसी अवेलेबल है और जो सीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर है वो इनको चाहिए इसके लिए। तो दोस्तों एक बार आप पूरा एरिया ऑफ एक्सपर्टीज पढ़ लीजिए, बहुत बड़ा है, अगर इतना पढ़ेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा दोस्तों। और एज रिलैक्सेशन एप्लीकेबल है एज पर गवर्नमेंट रूल, जो कि एससी के लिए 5 ईयर्स है, एसटी के लिए 5 ईयर्स है, ओबीसी के लिए 3 ईयर्स है दोस्तों। और अगर आपको इसका मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप गूगल कर लीजिए, तो इनका ऑफिशियल वेबसाइट आएगा और उसके अंदर आप पूरा इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हो, या फिर आप कॉल भी कर सकते हो, यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट ऐड जो हमारा है वो है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इनका ये जॉब का एडवर्टाइजमेंट है जो कि बहुत ही बड़ा है, आप एक बार पढ़ लीजिए। ये हमने यहाँ पर ऐड किया है क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जिन्होंने ये किया है डिग्री उनके लिए ये जॉब है, और जिसका लास्ट डेट है 20 फरवरी 2019। हाँ, और इसका मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप इनका वेबसाइट विजिट कर सकते हो, और इसके बारे में हमारे कुछ आइडिया नहीं इसलिए हम इसके ऊपर ज़्यादा कमेंट नहीं करेंगे दोस्तों। बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट ऐड की तरफ। नेक्स्ट ऐड जो है वो सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस के अंदर का जॉब है, और इसके अंदर टोटल वैकेंसीज 4 है, और जो पोस्ट है वो एक है जॉइंट डायरेक्टर फॉरेंसिक ऑडिट के लिए जिसका नंबर ऑफ पोस्ट 2 है, और असिस्टेंट डायरेक्टर लॉ के लिए जिसका पोस्ट 2 है। और दोस्तों इसका जो आपको अगर मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ लीजिए स्क्रीनशॉट लेकर, या फिर आप इनका वेबसाइट भी विजिट कर सकते हो www.sfio.nic.in या फिर www.mca.gov.in। और दोस्तों इसका लास्ट डेट यहाँ पर 60 डेज फ्रॉम द पब्लिकेशन, मतलब 2 मंथ है, और ये जो पेपर पब्लिश हुआ है वो है 9 फरवरी को पब्लिश हुआ था, तो 9 फरवरी से 2 मंथ्स आप ऐड कर सकते हो, वो लास्ट डेट इसका होगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों हमारी नेक्स्ट ऐड की तरफ। तो दोस्तों ये बेस्ट, मतलब बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट ऐड है जो कि आपको गवर्नमेंट जॉब का अपॉर्चुनिटी देने वाला है। 140 टोटल जॉब्स अवेलेबल है, वो भी फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर। बहुत ही अच्छा, मतलब आपका वर्क एक्सपीरियंस हो सकता है यहाँ पर आप वर्क करते हो। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो जितना भी यहाँ पर क्या कहते हैं उसको, जॉब का जो वैकेंसी है वो पूरा टेबल के अंदर दिया गया है। तो टोटल 140 जॉब्स अवेलेबल है, और इसका जो क्या कहते हैं ईच मतलब पोस्ट का रिक्वायरमेंट वगैरह जो है ना, वो आप इनकी वेबसाइट के ऊपर विजिट कर दीजिए तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि ऐड के अंदर कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं दिया गया है। तो दोस्तों बहुत ही मतलब क्रिएटिव जॉब आपका इसके अंदर हो सकता है दोस्तों। और दोस्तों बस थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर जॉब सर्च। और दोस्तों कमेंट में आप बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, और सॉरी हम ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको ईच जॉब के बारे में नहीं दे पाए क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, और इतना मतलब क्या कहते हैं उसको, मतलब इतना डिटेल में जाने का जरूरत नहीं है। आपको पूरा ऐड हमने पहुंचा दिया है अब तक, आप ऐड पढ़ लीजिए, और आप मतलब डिस्क्रिप्शन में ऐड का देख सकते हो, वेबसाइट वगैरह आप विजिट कर सकते हो। और बस हम कहना चाहेंगे आपको थैंक यू एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर जॉब सर्च। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए जो आपके दोस्त गवर्नमेंट जॉब सर्च कर रहे हैं, और वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे ही जो इसका एपिसोड 2 हम नेक्स्ट वीक अपलोड करने वाले, ईच वीक हम जितने भी न्यूज़पेपर में ऐड आने वाले हैं उनका मतलब हमें जितने अच्छे लग रहे हैं, या फिर कोई आपका अगर कोई रिक्वायरमेंट होगा तो आप डिस्क्रिप्शन में दे दीजिए, अगर नेक्स्ट वीक कोई ऐड आता है तो हम वो कैटेगरी का ऐड भी पब्लिश कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, एंड आवर टीम विशेस यू ऑल द बेस्ट फॉर योर जॉब सर्च, और जमे रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।